friend, welcome to my channel Science Skill, and good morning for all of you जो मेरे वीडियो को भी देख पा रहे हैं. मैं आज एक परिचय के तहत मैं ये बताने वाला हूँ कि 12th की जो NCERT मैथ्स है उसको हम अब हर एक चैप्टर की वीडियो लाने वाले हैं. इट मीन्स कि 12th NCERT की जो बुक्स हैं वो दो पार्ट में है, नंबर वन एंड नंबर टू. तो हम पहले नंबर वन बुक्स को कंप्लीट करेंगे और हम कैसे कंप्लीट करेंगे इसी परिचय के तहत मैं आपको बताने वाला हूँ. सबसे पहला बात कि नंबर वन बुक का सबसे पहला चैप्टर होता है रिलेशन फंक्शन. तो हम रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद इनवर्स ट्रिगो है, उसके बाद मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, और इसी तरह हम पहले पेपर वन को कंप्लीट करेंगे. पेपर वन का मतलब है पार्ट वन बुक्स को कंप्लीट करेंगे, देन फिर पार्ट टू बुक्स को हम लोग क्लिक करेंगे. अब रहा बात की सर पार्ट वन को आप कैसे इस चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, तो हम इसी परिचय में हमेशा बार बार बोल रहा हूँ कि ये परिचय या ये इंट्रोडक्शन में हम आपको ये बताने वाले हैं कि हम यहाँ पे 12th NCERT की मैथ्स को कैसे डील कर पाएंगे. पहला बात कि जब भी मैथ्स की क्लास होगी तो मैथ्स की क्लासेस में आपको पहले थ्योरी जैसे रिलेशन एंड फंक्शन में स्टार्ट किया या फिर इनवर्स ट्रिगो या स्टार्ट किया, तो आप लोग जानते होंगे कि मैथ NCERT में एक्सरसाइज के बेसिस पे होता है. मतलब कि एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 ऐसे करके एक्सरसाइज होते हैं. तो हम पहले एक्सरसाइज 1.1 का, जैसे एक्सरसाइज 1.1 है तो पहले एक्सरसाइज 1.1 में जो भी क्वेश्चन है उससे पहले थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1, पहले एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी लाएंगे, देन एक्सरसाइज 1.1 को हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. मींस दैट कि पहले तो स्टार्ट करेंगे रिलेशन फंक्शन. रिलेशन फंक्शन में पहले हम लोग पहले दिन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 1.1, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी कंप्लीट हुआ. उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 में चाहे 10 क्वेश्चन रहे, चाहे 20 क्वेश्चन रहे, 50 क्वेश्चन रहे, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग 1.2 में इन नहीं करेंगे. अब रहा बात की डायरेक्टली क्या 1.2 में इन करेंगे, नहीं, पहले वही काम करेंगे. फिर एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुआ उसके पहले थ्योरी क्लास होगा, थ्योरी करेंगे एक्सरसाइज कितने के, एक्सरसाइज 1.2 की. यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आपके 12th NCERT की मैथमेटिक्स की बुक में, हम उस एक्सरसाइज के पहले उसका थ्योरी क्लास होगी. और वही नहीं, थ्योरी लिखा हुआ रहेगा आपके इस चैनल से आप जुड़े हुए हो तो आपको सीधा मिल जाएगी नोटिफिकेशन के तहत, अगर बेल आइकन को आपने प्रेस किया होगा तो. तो जितनी भी वीडियो डाली जाएगी बिल्कुल टॉपिक वाइज, अगर मानते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी है तो डायरेक्ट उस पर लिखा रहेगा 12th NCERT मैथमेटिक्स थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1. और फिर अगर सॉल्यूशन रहेगा तो यहाँ लिखा हुआ रहेगा 12th NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1. अब ये अलग बात है कि किसी किसी एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, तो सभी एक वीडियो में आपको नहीं मिलेगी. वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं करूँगा कि ये हो सकता है 15 मिनट का वीडियो या 20 मिनट का वीडियो, या हो सकता है 40 क्वेश्चन का है तो 10 क्वेश्चन एक वीडियो में मिल पाए. तो वो वैसे काम करने के लिए आपको मिलेगा पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री. जैसे मान लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 में आपको 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन को हम एक बार में नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना टाइम अगर नहीं मिल पाएगा और लंबी वीडियो भी बन जाएगी तो लोग बहुत वरी फील करते हैं. इसलिए इस 50 क्वेश्चन को क्या करेंगे, पार्ट वन सॉल्यूशन 10 क्वेश्चन रहेगा या 12 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि इसी एक्सरसाइज 1.1 को पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर में डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में वीडियो आपको मिल जाएगी. तो इस परिचय के तहत हम आपसे ये डिस्कस किए कि कैसे हम चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे. अगर मेरे से आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम यहाँ से अब यही काम करने वाले हैं. यहाँ से हर एक चैप्टर का तब तक डालते रहेंगे, यानी कि तब तक अपलोड करते रहेंगे जब तक कि 12th NCERT की मैथ्स खत्म नहीं होगी. मैथ्स खत्म हो जाएगी हर एक चैप्टर वाइज, उसके बाद हम लोग काम करेंगे फिजिक्स
यानी फिजिक्स का जो भी हाँ अब फॉलोड करेंगे बुक्स कौन सा एनसीईआरटी फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को बुक्स को फॉलो करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी इज द कॉमन बुक्स जो कि सभी उसमें ज़्यादा मिस्टेकेबल नहीं होती है और ज़्यादा अच्छी बुक्स है इसलिए तो पहले हम डिस्कस करेंगे 12th एनसीईआरटी की मैथ्स को उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद चूंकि प्रेशर ज़्यादा है और इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी आप चीज़ों को समझ सकते हैं मेरी क्लासेस भी हैं ऑफलाइन भी क्लासेस चलती है और आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड करनी है तो वीडियो शूट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको एडिट करने में भी तो देर थोड़ा सा देर होगी लेकिन हर एक चैप्टर को वीडियो मिलेगी तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे कमेंट्स कर सकते हो या फिर मेरे पर्सनल आईडी पे भी कमेंट कर सकते हो या जुड़ सकते हो मेरे जीमेल से मेरा जीमेल है vikashkumar3597@gmail.com आप मेरे जीमेल से कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मान लेते हैं सवाल सॉल्यूशन किया हो सकता है बाई मिस्टेक मेरे से भी हो जाए या फिर अगर मैं सही ही बताया हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आया है तो आप मेरे से बिल्कुल जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है इसको रिपीट आया मैं उसको रिपीट करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा खड़ा हूँ आप मेरे से जुड़ सकते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेहिचक कुछ भी पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी थैंक्स एक परिचय के तहत मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम चीज़ों को कैसे कंप्लीट करते हैं क्योंकि लोगों को ये समझ आएगी ही नहीं कि आखिर ये चीज़ कैसे 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 प्रोवाइड करी जाएगी तो लोग को समझ नहीं आएगा इसलिए मैंने एक परिचय के तहत एनसीईआरटी मैथ्स को कैसे कंप्लीट करेंगे इसके तहत ये वीडियो बनाया थैंक्स थैंक यू वेरी मच